उठो नीलेश, उठो, कॉफी बना दो यार, क्लास का टाइम हो रहा है, उठो। शादी हुई थी तो बड़े प्यार से उठाते थे, हग भी करते थे। लोग ना सही बोलते, टाइम के साथ ना सब खत्म हो जाता है। अब बोल के हग करोगे तो किस बात का? ये भी ठीक है, चलो। तो इसका मतलब तुम मुझे हग नहीं करोगे? यार तुम डिसाइड कर लो ना कि करना है कि नहीं करना है। मुझे तो हग करना है। चलो। By the way, baby, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाओगे? तो #उपाध्यायस किचन। चना दाल और मूंग दाल पानी ज्यादा सोखता है, तो हमें बैटर को थोड़ा थिक रखना है। अगर हम पतला रखेंगे तो वो पापड़ की तरह टूट जाएगा। सो बैटर को अच्छी तरह फैला लिए और 1-2 मिनट तक वेट करिए, उसके बाद चिला। ओके, फिर साइनिंग आउट फ्रॉम #उपाध्यायस किचन। सो गाइस, वॉच माय पोस्चर वेरी केयरफुली, ओके? सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। नो रवि, जस्ट वेट। सो आपको इस तरीके से करना है कि जो आपका लोअर बैक है उस पर प्रेशर आए, ओके? या तो जस्ट डू इट स्लोली। थोड़े दिनों में यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? ओके। भूख लगी है। सो गाइस, आई थिंक हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, तो हम लोग मंडे को रिज्यूम करेंगे। सैटरडे संडे ऑफ है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप योगा स्किप करेंगे। सो सी यू गाइस ऑन मंडे विद मोर डेडिकेशन। ओके, बाय बाय। चलो यार। चीला है तुम्हारा? क्या बात कर रही हो, लस्सी तो बनाए थे हमने। मैंने तो सिर्फ 2 खाए। ना कम खाती हो यार तुम, और बर्बाद ना इसलिए मुझे खाना पड़ता है। नीलेश, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ, तुम्हारा सारा का सारा काम है जो खाने के रिलेटेड है। तुम्हारा खाने पे तो कंट्रोल है नहीं, तो कम से कम थोड़ा समय निकाल के एक्सरसाइज कर लिया करो। पर नहीं, हमसे तो वो होगा नहीं। कल से करूंगा ना पक्का रनिंग। सालों से आ रहा है तुम्हारा कल, भगवान जाने कब आएगा कल। कल लगाओ सोसोगी। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा कल ना कभी नहीं आने वाला है। अरे कल से आधा यार, हम लोग कल नासिक में होंगे। हाँ तो नासिक में भी कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी रनिंग के लिए। ट्रिप पे कौन दौड़ता है यार? जिसको करना होता है ना वो कहीं पे भी कर लेता है। अपने रनिंग शूज रख लेना यार, मंडे से जाऊंगा ना पक्का। अब तो कल से ही करना पड़ेगा यार। मंडे से कह तो रहा हूँ, मंडे को तो गाड़ी चला के वापस आना होगा, थक जाऊंगा। ट्यूसडे पक्का, ट्यूसडे पक्का।
कल से ही करना पड़ेगा, मैं सुबह उठा दूंगी, बाकी मैंने जानती। ऐसा जुल्म मत करो यार, फिर मैं जाऊंगा ना ट्यूसडे से पक्का, आई प्रॉमिस। डोंट मेक प्रॉमिसेस दैट यू कांट कीप। बस देखो तुम। हाँ देख रहे बेबी। अरे बेबी, अरे सुनो यार, सुनो तो, सुनो 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 बेबी, बेबी यार, यार कितना हैप्पी हैप्पी माहौल चल रहा था यार, तुम उसको वॉर जोन में क्यों बदलना चाह रही हो? मैं बदल रही हूँ नीलेश, तुम्हारी वजह से बना है माहौल, क्योंकि तुम सिर्फ कहते हो करते नहीं हो। यार मैं कह तो रहा हूँ कि मैं करूंगा ना। अभी भी सिर्फ बोल ही रहे हो, जब करने का वक्त आएगा ना तो कोई ना कोई बहाना बना दोगे। यार तुम्हें कह सकता हूँ ना कि मैं दिखा थोड़ी ना सकता हूँ, और मैं दिखा सकता ना सबसे पहले तुमको दिखाता मैं। वो क्या है? क्या दिख रहे हैं? नाना नानी पार्क। और देखो उसमें कौन दौड़ रहा है? नीलेश। उसके बगल में कौन है? उसके बगल में कौन है? तनु। देखो ये छोटी सी रेस चल रही है, हेल्दी कंपटीशन है, वो आगे जा रहा है धीरे 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 धीरे। ले तनु पीछे छूट गई, वो और तेज भाग रहा है नीलेश, सब एक एक करके पीछे होते जा रहे, पीछे होते जा रहे, वो और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज। मंडे से पक्का? ट्यूसडे से पक्का यार। मैं तेरे डर की वजह से थोड़ी ना जाना चाह रहा हूँ, मैं खुद जाना चाह रहा हूँ। इस बार तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, प्रॉमिस। पक्का? पक्का। माय टेडी बियर। ये टेडी बियर पतला हो गया ना, तो ऐसा फेल नहीं आएगा। मैं पतले टेडी बियर से भी काम चला लूँगी। तो हम जा रहे हैं ट्रिप पर? ऑफ कोर्स, फाइनली हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। आई फाइंड इट सॉरी। तो सफल प्रयासों के बाद यार फाइनली हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सारे प्लान्स तो तुम्हारी वजह से कैंसिल हुए हैं ना। तुम्हारी जुबान नहीं कांपती ये सब बोलते वक्त? कितनी झूठी हो यार तुम। तुम्हारी कांपती है कभी? हाँ नहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। और यहाँ पर ना तुम्हारे झूठ की बात हो रही है। हाँ ठीक है, मेरी वजह से प्लान कैंसिल हुए सारे। हाँ ठीक है, बस एक छोड़ के। पता था तुम यही बोलोगी। पर एक प्लान तो कैंसिल हुआ था ना तुम्हारी वजह से। यार बुखार हो गया था मुझको, इट्स नेचर्स कॉल, मैं कुछ नहीं कर सकता था उसमें। हाँ तो बुखार 4 दिन पहले या 4 दिन बाद भी तो आ सकता था। हाँ बुखार मुझसे पूछ के आता ना 4 दिन पहले या 4 दिन बाद ही बुलाते हैं, लेकिन मेरा पूछे आ गया, क्या करें अब। ठीक है मैंने माफ किया, अब पैकिंग वैकिंग कर ले हम। ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? नहीं मैंने छुट्टी ले ली, मैंने सोचा घर पे इतना सारा काम है, पैकिंग करनी है, अगर आज ऑफिस गई तो ये ट्रिप भी गया हमारा। तो मैं था ना, मुझसे कहती ना। तुम ना ये पैकिंग वैकिंग मुझ पे छोड़ दो, तुम बस रास्ते के लिए ना बढ़िया सा खाना बना दो बस। ये रास्ते के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा यार? रास्ते में इतने बढ़िया बढ़िया ढाबा पड़ता है यार। यार तो घर का बना हुआ खाएंगे ना। ये रास्ते में यार पनीर मिलेगा, दाल फ्राई, आलू गोभी की सूखी सब्जी, और वो तंदूरी रोटी बटर लगा के। पर उनसे अच्छा तो तुम बनाते हो ना नीलेश, तुम्हारे हाथों वाला स्वाद नहीं आएगा ना उनके हाथों से। यार 3 दिन मैनेज कर लो यार, वापस आके मेरे हाथ का खाना है ना यार, प्लीज। चलो ठीक है अब पैकिंग कर लेते हैं ना। थक गया यार, कितना काम कर लिया। दिखा
कितनी मेहनत कर लो ना, मजा ले इस औरत के मुंह से कभी तारीफ निकले। काम करने का ढोंग करने में और काम करने में ना फर्क होता है। तुम्हारा फोन आ रहा है। हमको भी सुनाई दे रहा है। उठा लो ना। कट जाएगा अभी। देखो कट गया। फिर से बजेगा। देखो बजा। यार कौन है यार? कोई तो अननोन नंबर है। घुस जाओ कॉल कर करके। क्या पता किसी को पूछना हो कि आज सब्जी में कितना नमक और हल्दी डलेगा। एक्सक्यूज मी, बहुत से इम्पोर्टेंट कॉल भी आते हैं मेरे पास। हाँ हाँ पता है। यार वो फोन दे दो ना प्लीज। और हाँ पड़े मत रहो, निकलना भी अभी। अच्छा एक काम कर दोगे? नहीं। क्या? अरे तुम पूछती क्यों हो भाई, ऑर्डर किया करो ना सीधे। मेरा नहीं होगा, मैट पे सामान के साथ पैक कर देना, मैं भूल जाऊंगी फिर। कौन बदतमीज है यार? हेलो हाँ कौन? हाँ बेटा, अरे अपना एड्रेस तो भेज दो। क्यों भेज देते, कौन है आप? अरे बेटा घर कैसे आएंगे बिना एड्रेस के? अरे घर क्यों आना है, कौन है आप? बेटा मामा बोल रहे हैं हम तुम्हारे, गोपी मामा, अलाहाबाद वाले। अरे तुम्हारी माँ से बात हुई थी ना कि मामा आने वाले हैं। आप तो 5 तारीख को आने वाले थे ना। बेटा लगता है तुम कैलेंडर देखते नहीं हो। आज क्या तारीख है हमको बताओ जरा। आप अगले महीने की 5 तारीख को आने वाले थे ना। बेटा इसी महीने की 5 तारीख को आ रहे हैं, कल। अरे नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने साफ साफ बताया था कि गोपी मामा अगले महीने की 5 तारीख को आने वाले थे। बेटा अब तो इसी महीने की 5 तारीख को आ रहे हैं, बताओ क्या करें, ना आए? हाँ है? नहीं इतनी दिक्कत क्यों लेंगे आप। बेटा हम कल सुबह सुबह पहुँच जाएंगे, फोन काटते ही एड्रेस भेज देना। और हाँ चाय रखना गरम गरम, समझ गए ना? हिंदी में समझाओ।